शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकारों का क्या कहना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे यहां पे सबसे पहले मसालों से। तो मसालों में जैसा हम देख रहे हैं कि इस समय धनिया का अप्रैल वायदा 10,906 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 11,092 का हाई लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन है। देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा एक गिरावट के साथ, करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात करें जीरे की तो जीरा यहां से मार्च वायदा 21,320 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.5% की करेक्शन है। और बात करें हल्दी की तो हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 9,352 पर है, 0.5% से ज़्यादा की तेजी है। हम देख रहे हैं कि सुबह के मुकाबले अब मसाले शाम के कारोबारी सत्र में थोड़े से कुछ उठते नजर आए हैं, कुछ थोड़े सुधरते नजर आए हैं। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि जो जीरा था वो 20,000 के लेवल्स पर था, लगभग 3.5 से 4% की गिरावट जीरे की कीमतों में देखने को मिल रही थी। हल्दी भी 9,200 के लेवल्स पर ही थी, अब 9,400 के आसपास है। धनिया भी 10,000 के लेवल्स पर था, 11,000 से नीचे लुढ़का हुआ था। दरअसल खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो हाजिर मांग है मसालों की वो थोड़ी कम हुई है। घरेलू खपत की बात करें तो घरेलू खपत में तो ऐसा कुछ कटौती नहीं हुई है, घरेलू खपत एज इट इज उतनी की उतनी है जितनी पहले देखने को मिल रही थी। दरअसल ऊपरी स्तरों से वायदा बाजारों में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्योंकि पहले क्या अटकलें लगाई जा रही थी, पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर यूरोप को भारतीय मसाले का निर्यात हो सकता है, भारतीय मसालों की निर्यात मांग उठती नजर आ सकती है यूरोप को और खाड़ी देशों को, और होना भी चाहिए क्योंकि धनिया और जीरा का जो प्रोडक्शन है वो इतना देखने को नहीं मिल रहा है भारत में भी और बाकी देशों में भी, जिसकी वजह जिससे जो डिमांड है, जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो इसकी वजह से भारतीय बाज़ार पर सभी देशों की नज़रें थीं और जीरे की और अन्य मसालों की जो निर्यात मांग थी वो निकलने की उम्मीद थी। उम्मीद अभी भी है लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है एकदम से, एक तो शिपमेंट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी, दूसरा अब ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे यूरोप की भी जो गतिविधियां हैं, जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी प्रभावित हुई हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो भारतीय मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी डिले हो जाए या उसमें थोड़ी देरी देखने को मिले। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल्स तो मसालों के मजबूत ही नज़र आ रहे हैं, हाजिर बाजारों में कीमतें ठीक ठाक देखने को मिली थी। अभी हो सकता है कि जो बाज़ार थोड़ा मंदा हुआ है आज वायदा बाज़ार, उसकी वजह से हाजिर बाज़ार में भी थोड़ी उठापटक देखने को मिली हो, लेकिन फंडामेंटली जीरा हुआ, लाल मिर्च हुई, काली मिर्च हुई और धनिया हुआ, जो अन्य मसाले हैं ये सब अभी मजबूत ही हैं। हल्दी में भी अभी तेजी देखने को मिलेगी लेकिन अचानक से नहीं मिलेगी कि एक या दो हफ्ते में हो जाए या एक ही महीने के अंदर हल्दी की कीमतें उछल जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 3 से 4 महीने हल्दी की कीमतों में तेजी आने के लिए, थोड़े लेवल सुधरने के लिए लग सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान तो मसालों में तेजी वाला ही है। बाजार थोड़ा जो विदेश में जो भू राजनीतिक तनाव बना है उसकी वजह से थोड़ा उथल पुथल रह सकता है। और बात करें अगर घरेलू की तो घरेलू में खपत एज इट इज़ उतनी देखने को मिल ही रही है। अब मार्च का आगमन हो चुका है, मार्च में देखते हैं कि हर बार जीरा और धनिया की जो आवकें मंडियों में आ जाती हैं मार्च के महीने में, तो जब आवकें आएंगी बाज़ार नीचे भी ज़रूर जाएगा लेकिन कीमतों में फिर से तेज़ी भी ज़रूर ही देखने को मिलेगी। तो भारत में भारतीय मसालों की जो मांग है एज इट इज़ घरेलू डोमेस्टिक मांग बनी हुई है, खपत अच्छी खासी है,
जो बुआई है कम देखने को मिली है धनिए की और जीरे की, जिसकी वजह से आगे तेजी बनने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिमांड निकलती तो कीमतों को पंख लग सकते थे। अभी खैर डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी है कि तेजी और बन सकती है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मसाल के बाद अब यहाँ से कैस्टर सीड की। तो देख रहे हैं कि कैस्टर सीड का मार्च वायदा 7038 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.25% की बढ़त है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कैस्टर सीड 6870 पर खुला है आज, और 6800 के लो भी लगाया था और 6800 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि दोपहर में कैस्टर सीड 6900 के लेवल्स पर हुआ और अब देख रहे हैं कि 7000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो कैस्टर है, कैस्टर का उत्पादन इस बार कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है और मंडियों में आवकें भी देखने को मिल रही हैं। आवकों का प्रेशर जब तक बना रहेगा कीमतों में उठापटक ऐसी जारी रहेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कैस्टर का जो उत्पादन है इस बार पिछले 3 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कैस्टर सीड की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और दूसरा जो डिमांड है वो भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रियल कैस्टर का जो इस्तेमाल है इंडस्ट्री लेवल पर होता है, तो जो इंडस्ट्री लेवल पर जो डिमांड है कैस्टर की उसमें भी धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टेडीनेस के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी, जिससे कैस्टर की जो कीमतें हैं उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। हमारे जो जानकार हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उनके मुताबिक कैस्टर सीड आने वाले 2 से 3 हफ्तों में 7100 से लेकर 7300 तक के स्तर दिखा सकता है। बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं 3082 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3099 का ही लगा चुका है, 0.5% की बढ़त है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि 0.5% की बढ़त के साथ एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने बिनौला खल को 3050 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते हुए देखा था। इससे पहले हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबने बता दिया था कि बिनौला खल इस कारोबारी सप्ताह की जो क्लोजिंग देगा 3000 के लेवल्स के आसपास देखा, ठीक वैसा ही हमने होते हुए भी देखा। अब जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिनौला खल हो सकता है कि लगभग 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो सीमित दायरा है उससे बाहर निकल सकता है। अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर बिनौला खल जो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है NCDX पर, जो कि 3000 से लेकर ऊपर में 3400 तक का है, उससे अब 2 से 3 हफ्तों के अंदर बाहर निकल सकता है और 3350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अब बात करें अगर हरे चारे की, तो हरे चारे की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों की जो लागत है पशुओं के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ गई है और लॉकडाउन भी लगा था जिसकी वजह से इतनी इनकम नहीं हो पाई। तो ऐसे में अगर पशुओं के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होता है, निवेश कम होता है, उनको चारा कम खिलाया जाता है, तो उसका असर उनके दूध पर पड़ता है। उनका दूध कम आएगा तो दूध की सप्लाई कम होगी, दूध की सप्लाई कम होगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी, पाउडर मिल्क की कीमतें बढ़ेंगी। और जो बिनौला खल है एकमात्र ही ऐसा प्रोडक्ट है जो दूध की मात्रा को बढ़ाता है, दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बिनौला खल की वो थोड़ी आगे जाके देखने को मिल सकती है और जो कीमतें हैं वो 3500 के ऊपर भी निकल सकती हैं। इससे पहले एक्सपर्ट ने ये भी बताया था कि जो बिनौला खल है मार्च महीने में 4000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो कॉटन है, कॉटन में जो गिरावट आई है उसका असर भी कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। ग्लोबली कॉटन की जो कीमतें हैं उनमें एक कमी देखने को मिल रही है और हेल्दी करेक्शन आनी लाजमी भी थी, ज़रूरी भी थी, जिसकी वजह से निचले स्तर से लोअर लेवल से फिर से बाइंग इनिशिएट हो सके और उसका असर हमने बिनौला खल पर भी पड़ते हुए देखा। बिनौला खल में भी नो डाउट इन लेवल से निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट फिर से हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में और कॉटन में आगे तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करें यहाँ से अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का मार्च वायदा 10775 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% की करेक्शन है। ग्वार सीड का मार्च वायदा 5917 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स एक नरमी के साथ, एक गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो ग्वार गम का मार्च वायदा है, अभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ग्वार गम, ग्वार सीड की जो कीमतें हैं 12000 से सीधे धड़ाम होते हुए नजर आई है 10000 के लेवल्स पर। दरअसल इसके पीछे कारण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल तो तेज है और जब कच्चा तेल तेज रहता है तो ग्वार के जो सेंटीमेंट्स हैं थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं और गम और सीड की कीमतों में दोनों में ही तेजी देखने को मिलती है।
कच्चा तेल तो $100 के पार देख चुके हैं, $100 के आसपास ट्रेड भी करता नजर आ रहा है आज भी, लेकिन फिर ग्वार गम और ग्वार सिर की कीमतों में तेजी क्यों नहीं बन रही है, ऐसे बहुत लोगों का सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से वहाँ पे ग्वार गम ग्वार सीड की जो डिमांड है भारतीय ग्वार गम ग्वार सीड की, वो थोड़ी कम हुई है। आपको बता दें कि रशिया को भारत जो भारत है वो रशिया को अपना ग्वार एक्सपोर्ट करता है, तो रशिया में कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए, कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए जो ग्वार गम का जो इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से गम की जो डिमांड है वो थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है लड़ाई के चलते। इसकी वजह से ग्वार गम और ग्वार सीड की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी देखने को मिल रही है। और ग्वार गम और जो सीड है, ग्वार सीड मंडियों में इतना देखने को मिल भी नहीं रहा है अच्छी क्वालिटी का खासकर, और जो थोड़ी ख़राब क्वालिटी का भी है या फिर कहें कि मीडियम क्वालिटी का भी है, उसकी भी जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है, वो भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है। ज़्यादातर लोगों ने, जिनकी क्षमता है होल्ड करने की, जो होल्ड करने की क्षमता रखते हैं ग्वार को, उन्होंने काफ़ी समय से अपने ग्वार को होल्ड कर रखा है, और वो इसको तभी बेचेंगे जब उनको उनके मन चाहे भाव मिलेंगे, उससे पहले वो नहीं बेचने वाले हैं। तो ऐसे में इसका उत्पादन का अनुमान लगाना भी विशेषज्ञों के लिए, मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन तो पहले के मुकाबले इस बार आधा बताया जा रहा है, और आगे भी ये बताया जा रहा है कि जब इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो इसकी अब जो खेती है वो भी पहले से अब और भी कम होती चली जाएगी, अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो गम की बात करें तो ग्वार गम हो सकता है कि नीचे में, हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उनके मुताबिक ग्वार गम जब तक 11,300 के ऊपर नहीं निकलता है, जब तक ये रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है, तब तक ग्वार गम में ऊपरी स्तर से बिकवाली में रहा जा सकता है, कीमतें हो सकता है कि नीचे में 10,200 10,300 तक जाती नजर आए। वहीं सीड की बात करें तो सीड पर, ग्वार सीड पर अमित सजेजा की राय है कि ग्वार सीड जब तक 6,200 का रेजिस्टेंस पार नहीं कर लेती हैं, तब तक ग्वार सीड में भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की जा सकती है, नीचे में कीमतें 5,600 के आसपास तक देखने को मिल सकती है। बात करेंगे यहाँ से अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन का मार्च वायदा देख रहे हैं 7,900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सोयाबीन के मार्च वायदे में देख रहे हैं लगभग 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। पिछले कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि जो सोयाबीन थी 7,900 का हाई लगाया था, फिर 7,600 पर ट्रेड करती नजर आई थी, ऊपरी स्तर से तुरंत करेक्शन भी बन गई थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं सोयाबीन 7,900 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। बात करें यहाँ से अगर अब इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें बढ़त देखने को मिल रही है। $1,630 के ऊपर US सोयाबीन वायदा ट्रेड करता नजर आ रहा है। इससे पहले 24 फरवरी को जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया था, तब हमने जो US सोयाबीन की जो मार्केट है उसको ऊपर में $1,756 तक भी जाते हुए देखा था। तो विदेशों में आई तेजी का असर सोयाबीन की घरेलू कीमतों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। एक तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से पूरा वैश्विक यानी कि पूरा ग्लोबली सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है, और उसकी चिंताओं के चलते यहाँ पर कीमतों में बढ़त है। दूसरा, भारत में किसानों ने सोयाबीन को होल्ड कर रखा है, मंडियों में सोयाबीन की जो अवेलेबिलिटी है, जो आवकें हैं, उपलब्धता है, वो काफ़ी कम है। तीसरा, अब रशिया यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल पैक है, जैसे कि आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो भारत यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल का बहुत बड़े पैमाने पर आयात करता है, इंपोर्ट करता है, तो वहाँ से जो आयात का, जो आयात होना था सूरजमुखी के तेल का, वो इम्पैक्ट हुआ है और जो माल था वो पोर्टों पर रुका हुआ है। तो जो लोग हैं जो सूरजमुखी तेल का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसके ना आने से दूसरे तेल की ओर रुख करेंगे, तो ऐसे में सरसों और सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसकी वजह से जो खाद्य तेलों का जो बाजार है, स्पेशली सरसों, सोयाबीन और CPO, ये तीनों तेज देखने को मिल रहे हैं। तो सोयाबीन में भी आगे तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन की कीमतें आने वाले दिनों में 8,100 के भी स्तर दिखा सकती है, सोयाबीन 8,000 के भी पार जा सकती है। और इसी के साथ साथ बात करें यहाँ से अगर CPO की, तो CPO में भी हमने रिसेंट हाइज बनते देखे थे,
मलेशिया होगी, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पर सीपीओ की जो क्रॉप है, जो क्रॉप साइज़ है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से पूरे ही एडिबल ऑयल पैक पर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय सरसों की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिल रही है, एमएसपी से ऊपर ही बिक रही है मंडियों के अंदर सरसों। और जो सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आयात होना था वो नहीं होने की वजह से जो सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग हैं, वो सरसों की ओर रुख कर सकते हैं, अभी ऐसा एक्सपर्ट द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी की वजह से जो सरसों तेल है और जो सोया तेल है, सोया तिलहन है, उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो एडिबल ऑयल पैक है, जो खाद्य तेल पैक है, वो अभी तेज़ी की ओर देखने को और मिल सकता है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।